भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद अब इस सीट पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी आसनसोल से पवन सिंह की जगह अक्षरा सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। वहीं पवन सिंह का नाम भी बीजेपी की पहली लिस्ट में शुमार था। बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने इसके 24 घंटे के भीतर ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने की वजह का खुलासा नहीं किया है। पवन सिंह के इनकार के बाद बीजेपी आसनसोल सीट पर उम्मीदवारों की तलाश कर रही थी। अब इस सीट से भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी अक्षरा सिंह के नाम पर विचार कर रही है और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन है अक्षरा सिंह? अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में लीड रोल निभाया है। अब उनकी राजनीति में एंट्री करने को लेकर चर्चा तेज है। बता दें कि अक्षरा की फैन फॉलोइंग बिहार के लोगों में काफी अच्छी खासी है और आसनसोल में काफी अच्छी खासी आबादी बिहार के लोगों की है। ऐसे में पवन सिंह की जगह अक्षरा को बेस्ट कैंडिडेट माना जा रहा है। वहीं अक्षरा के पिता ने भी दावा किया है कि अक्षरा लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगी। हालांकि बीजेपी या अक्षरा ने इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल की सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा की बॉलीवुड समेत बिहार के लोगों में काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में अगर अक्षरा सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ती हैं तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।